विजय व्यंजक या बहुपद दिया जाएगा उसके गुणनखंड आपको याद करने होंगे। जैसे कि मैंने कोई आपको विजय व्यंजक या बहुपद दिया 2x² + 3x + 1, ये एक विजय व्यंजक है, यह एक द्विघाती बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 2 है, अतः ये 2 घात वाला बहुपद है और इसमें 3 पद हैं 1, 2, 3, इसलिए ये त्रिपदी बहुपद है। यहाँ पर x² का गुणांक 2 है और x का गुणांक 3 है और 1 आपका अचर पद है। अब हमें इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चूंकि इसकी घात अधिकतम 2 है इसलिए इसके गुणनखंड भी 2 होंगे। अगर इसकी घात 3 होती तो इसकी अधिकतम घात 3 होती तो इसके 3 गुणनखंड होते हैं, और अधिकतम घात 5 या 4 होती तो 4 या 5 गुणनखंड होते। जितनी घात उतने गुणनखंड, ये दिमाग में आप नोट कर लें कि जितनी घात होती है बहुपद की उतने उसके गुणनखंड होते हैं, उतने उसके हल या मूल होते हैं। ठीक है, अब ये जो गुणांक है x² का, इसका गुणा हम इस एक में करेंगे तो 2 एकम 2 गुणा करने पे 2, गुणा करने पे कितना आया, गुणा करने पे 2 आया और जोड़ने पे 3 आ जाए, जोड़ने पे 3 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 और 1 हो गए 3। चलो 2x² + 2x + 1x + 1। ठीक है, अब ये त्रिपदी था, ये त्रिपदी बहुपद था, अब ये चतुर्थ पदी हो गया। कितने पद हो गए इसमें, 4 पद, चतुर्थ पदी। तो 2 पद तो ये यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक भी 2। ठीक है, अब इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 तो बाहर आ गया, इसमें भी x, इसमें भी x, x भी बाहर आ गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 बोले बाहर आ गया, x की पावर 2 है उसमें से 1 x बाहर आ गया, तो अकेला 1 अंदर रह गया। 2 घात है उसमें से 1 घात बाहर आ गई, 1 रह गया। ओके, 1x, ये 1 घात ये और 1 ये, वापस 1 और 1 2 हो जाएगी कि नहीं, है ना, तो ये हमने कॉमन लिया। ठीक है, प्लस ये वाला x देखो, हेलो, ये वाला बाहर आ गया, बाहर एक बार ही लिखते हैं, ये जो बाहर लिया वो सभी का है, इन दोनों में से लिया, इसमें से भी लिया और इसमें से भी लिया, मगर लिखेंगे एक बार ही, और यहाँ पे 2 रह गया, रह गया ना, बात समझ में आ गई। अब कोष्टक मत, अब इसमें कॉमन क्या है, 1 और 1, तो 1 बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया, एक का टेबल बोलो, 1 आया 1। अब आप क्या देखते हैं, सॉरी 2 का पाड़ा बोलो कि 2 आ जाए, 2 का पाड़ा बोलो 2 आ जाए, 1 बार, 1। इस तरीके से अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम टू सेम है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, x + 1 इज ए कॉमन, तो ये x + 1 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से बाहर आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया बताओ, अंदर क्या रह गया, ये 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 रह गया। दिस इज ए आंसर, यही हमारा उत्तर है, दिस इज ए आंसर, यही हमारा उत्तर है। अगला 3x² + 4x + 1, ये सवाल है जवाब, है ना। अब इसमें भी हम वही तकनीक अपनाएंगे, है ना, इस 3 का एक मल्टी होगा,
तो तीन का हम एक में मल्टी करेंगे, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, गुणा करे तो तीन, जोड़े तो चार, जोड़े तो चार, तो तीन और एक चार हो जाएंगे, है ना। तो देखिएगा आप, ये हो जाएगा आपका तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन एक्स। देखो आप, तीन एक्स और एक एक्स कितने हो गए, तीन एक्स में जुड़ गया एक एक्स, तो हो गए चार एक्स कि नहीं हुए, प्लस वन। अब दो दो के ग्रुप बनेंगे, दो दो के ग्रुप बना दो, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। अब इसमें भी तीन एक्स और इसमें भी तीन एक्स है, इसमें भी तीन एक्स इसमें भी तीन एक्स, तो तीन एक्स बाहर ले लो। अब यहां से देखो ध्यान से, ये तीन और ये तीन बाहर आ गया, एक्स की पावर कितनी है दो, एक्स की पावर कितनी, उसमें से एक बाहर आ गया एक रेखो, प्लस तीन का टेबल बोलो कि तीन आ जाए, तीन का टेबल बोलो कि तीन आ जाए, तीन एक और ये एक्स, ये तो बाहर आ गया ना एक्स तो बाहर। चलिए इसमें से वन एक्स प्लस एक बाहर आ गया, तो यहां पे भी एक एकम एक लगाना पड़ेगा, एक एकम एक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या दिख रहा है, ये कोष्टक देखो ध्यान से, ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम टू सेम है कि नहीं है, तो ये कॉमन आ जाएगा, इसको एक बार लिख दो, ये दो बार है, एक बार लिख दिया कॉमन आ गया, एक बार लिख दिया, और ये अगले, अब जो रह गई उसको अगले कोष्टक में लिख दो, जो संख्या शेष रह गई है बच गई है उसको अगले ब्रैकेट में लिख दो, तीन एक्स प्लस वन, तीन एक्स प्लस वन, तीन एक्स प्लस वन, दिस इज ए आंसर, दिस इज ए आंसर, उत्तर आ गया, सरलता के